गया है और हम नीचे जा रहे हैं बहुत ही फास्ट, क्या हम पार कर पाएंगे? और ये जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज की हमारी वीडियो में मैं आपके सामने GTA 5 की स्टोरी मोड में एक रैंप लेके आया हूँ। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है कि पम्मी भाई रैंप मुझे दिखाओ, रैंप प्लीज प्लीज रैंप की वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा यार भाई लोगों की रिक्वेस्ट सर आंखों पर, और मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया है और जो कि बहुत बड़ा वो रैंप हमें देगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है एडर। कीमत इस गाड़ी की है $1 million और हम इस समय मौजूद हैं GTA 5 की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसका नाम है द मेज बैंक। सिटी का जायजा आप यहां से बड़े जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं। तो देख लीजिए हमारी ब्यूटीफुल लॉस सैंटोस की सिटी, और ये बिल्कुल ठीक हमारे पीछे है हमारा GTA 5 का रैंप। मैं दिखाना नहीं चाहता आपको यार क्योंकि सरप्राइज है। तो ये लीजिए भाइयों, ये है हमारा सबसे बड़ा रैंक। मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा यार, कहीं गिर ना जाऊं। तो देख लीजिए कितना नीचे तक जा रहा, तो वो नजर भी नहीं आ रहा, यू नो लाइक इट्स टू हाई, यू नो। और अगर हम यहाँ से गाड़ी नीचे स्लाइड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी का बचने का कोई भी चांस होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम हर एक गाड़ी स्पॉन करेंगे, मतलब कि फनी गाड़ियाँ, बाइक से लेके साइकिल से लेके टैंक से लेके बस से लेके क्रेन तक, हम सब कुछ यहाँ पे टेस्ट करेंगे। और एक बारी भाइयों आप यहाँ से भी देख लीजिए कि ये रैंप वाकई में कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग में मौजूद है और वो दूर तक जा रहा है रैंप। यार पता नहीं यार कितना नीचे जाएगा, जब गाड़ी नीचे जाएगी तो क्या होगा, जब यहाँ से गाड़ी स्लाइड होगी तो क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो लेट्स हैव अ लुक। The first car we're gonna test is of course the Bugatti Veyron aka Adder in GTA 5. तो गाड़ी के नीचे मैंने कस्टमाइज फुल इसको कस्टमाइज किया, तो ये गाड़ी नीचे जाएगी फुल स्पीड पर। Right, I'm really getting excited about this now. Let's go. I'm not gonna waste no more time chatting rubbish. तो चलिए नीचे चलते हैं। Oh, let's do it. पूरी स्पीड के साथ भाइयों मैं नीचे जा रहा हूँ यार। जितनी मैक्सिमम स्पीड थी इस गाड़ी की मैंने पूरी लगा दी है, और ये लीजिए रैंप का एंड आ चुका है। और इसी के साथ ही गाड़ी सीधा हवा से बातें करती हुई पता नहीं कहां ब्लेंड करेगी। ओ तेरी इतनी लंबी, ट्रक के ऊपर। ओह नो, वी नीली मिस्ड द ट्रक। तो ये लीजिए भाइयों सबसे पहली गाड़ी, गाड़ी फटी ही नहीं यार, मस्त गाड़ी है यार, गाड़ी वेरॉन एके एडर, आई एम सॉरी। तो हम बिल्कुल वहां से, आप देख सकते हैं बिल्डिंग के टॉप से वहां से नीचे आए। तो चलिए एक बार फिर से ऊपर चलते हैं और एक दूसरी गाड़ी को रैंप के नीचे ढकेलते हैं। तो इस बार हम लेके आए हैं गोल्फ बगी। इतनी फास्ट तो नहीं है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि गोल्फ बगी जब नीचे जाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या ये गोल्फ बगी फटेगी क्या नहीं फटेगी, तो ये हमें देखना है। राइट, लेट्स गो वंस अगेन। मैं बड़ा ही आराम से चल रहा हूँ और ये लीजिए गोल्फ बगी रैंप के ऊपर चढ़ चुकी है, बड़ी ही तेजी के साथ नीचे जा रही है। गाड़ी को कंट्रोल करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, but I'm trying my best. Here we go, coming through to the end of the ramp. और ये गाड़ी फिर से एक बड़ी हवा के साथ बातें करती हुई, क्या ये Bugatti Veyron का रिकॉर्ड तोड़ देगी? बहुत ही क्लोज था। तो Bugatti Veyron नहीं, AKA Adder, Adder और गोल्फ बगी में इतना फर्क नहीं है। तो चलिए भाइयों हम यहाँ पे फर्क ढूंढने नहीं आए कि कौन सी गाड़ी फास्ट है कौन सी गाड़ी स्लो है, हम यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ तोड़ने आए। तो चलिए एक बार फिर से ऊपर चलते हैं और अभी हम टेस्ट करेंगे GTA 5 में मेरी सेकेंड सबसे फेवरेट गाड़ी। भाई ये मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, असली में भी मैंने चलाई है, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप गाड़ी को चलाते हो ये वाली, तो आपके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ आपको बड़े बड़े वेयर हाउसेज में दिखेगी, तो ये चीज़ें उठाने के काम आती है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि रैंप के ऊपर ये कैसे अपना प्रदर्शन दिखाएगी। सॉरी यार, अबे ऊपर क्यों नहीं चढ़ रही यार ये, अबे मैं पीछे से रिवर्स लेके आता हूँ, लगता है इसके आगे दो पहिए हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। अगर ये यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ रही तो रैंप के नीचे से जंप कैसे मारेगी? शिट, वी गॉट फाइंड आउट नाउ। तो एक बार फिर से फोरक्लिफ्ट ट्रक रैंप के ऊपर आता हुआ बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा है। ये गाड़ी कभी मैंने इतनी स्पीड में कभी नहीं चलाई, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम। और गाड़ी के कंट्रोल बहुत इजी है, तो देखना ये है कि ये गाड़ी रैंप से नीचे कूदेगी कि नहीं कूदेगी। एंड हियर वी गो, ओह नो, मेरी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया इसने यार। डैम, दिस इज नॉट राइट। मैंने यार देखना था कि ये गाड़ी रैंप के ऊपर से कैसे जाएगी, लेकिन नहीं गई। तो उम्मीद पर मेरी बिल्कुल पानी फिर चुका है। लेकिन अभी रैंप तो हमने क्लियर करना ही करना है क्योंकि दूसरी गाड़ी हम कैसे लेके आएंगे। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस कार फ्रॉम द रैंप। तो ऊपर जाएगी? नहीं
नहीं जाएगी। तो मैं ऊपर जाकर थोड़ी स्पीड पकड़ के आता हूँ ताकि हम गाड़ी को नीचे फेंक सकें, लेकिन गाड़ी नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। प्लीज वी कैन डू इट मैंने गलती से पीछे की जगह आगे का बटन दबा दिया। तो दफा करो यार, ये इस गाड़ी को मैं लगता है यहीं पे मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो उम्मीद है दिस कार गोना डिसअपीयर। तो चलिए भाई, ये स्लो गाड़ियों को दफा करते हैं और एक सुपर फास्ट गाड़ी आपको सामने लेके आते हैं। आप देख रहे हो कि इस गाड़ी तो मतलब कि सुपर फास्ट गाड़ी दिखती नहीं है, लेकिन जब ये नीचे जाएगी तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी के साथ, डैम कितनी तेजी के साथ नीचे जा रही है। मुझे पता नहीं, ये तो पूरा मैप ही पार कर देगी। और इसी के साथ ये गाड़ी हवा से एक बार फिर से बातें करती हुई, इससे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ी हुई, बुगाटी वेरोन सबका रिकॉर्ड उसे तोड़ दिया। माय गॉड, फकिंग हेल, दिस कार इज सुपर फास्ट। ओह शिट, आई एम सॉरी अबाउट माय लैंग्वेज। तो एनीवेज, तो यार ये गाड़ी ने तो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया यार, बड़ी दूर से हम आए हैं। एनीवेज, नाउ वी गोना स्पॉन ए कूड़े वाला ट्रक। तो चलिए कूड़े वाले ट्रक को देखते हैं कि ये कैसे प्रदर्शन दिखाता है कूड़े वाला ट्रक रैंप के ऊपर। अभी अब ये मत सोचना कि मैं कूड़े वाला ट्रक क्यों कर रहा हूँ, सिंपल बात है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब ये कूड़े वाला ट्रक रैंप से नीचे जाएगा, हवा से जब बातें करेगा, तो मैंने ये देखना है कि कूड़ा ट्रक में से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। बस मैंने सिर्फ कसम से मैंने ये सिर्फ यही देखना कि कूड़ा ट्रक से बाहर आता है कि नहीं आता। राइट, लेट्स हैव अ गो। वी आर नाउ अप्रोचिंग द एंड ऑफ द रैंप और कूड़े वाला ट्रक हवा से बातें करता हुआ। अरे कूड़े वाला ट्रक है क्या ये? और नहीं आया, कूड़ा ट्रक से बाहर बिल्कुल भी नहीं आया यार। क्या चिपका के रखा है कूड़े को ट्रक के साथ क्या? ओह माय गॉड, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट था जो कि मुझे करना था। तो चलिए एक बार फिर से टॉप पे चलते हैं और आपके सामने लेके आते हैं GTA 5 की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी। तो इसको लगाते हैं रैंप के ऊपर और देखते हैं, फंस गई गाड़ी और नहीं फंसी। तो इस गाड़ी को लगाते हैं रैंप के ऊपर और देखते हैं कि कितनी दूर तक जाएगी ये। कूड़े वाले ट्रक को तो डेफिनेटली बीट कर ही देगी। और ये रैम से निकलती हुई हमारी GTA 5 की फास्टेस्ट गाड़ी जिसका नाम है पेगासी टेजरैक। $4 million इस गाड़ी की कीमत है। और जहां पे कूड़े वाले ट्रक ने लैंड किया था और इस गाड़ी ने वहीं पे लैंड किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको GTA 5 में फास्टेस्ट गाड़ी चाहिए तो आप इसकी जगह कूड़े वाला ट्रक लीजिए। एक बार फिर से टॉप पे चलते हैं और देखते हैं ट्रैक्टर कैसे प्रदर्शन दिखाएगा अपना। तो चलिए अब ट्रैक्टर लेके आते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैक्टर। ओह माय गॉड, टायर देखिए ट्रैक्टर के कितने मोटे मोटे हैं यार, तो ट्रैक्शन बड़ी जबरदस्त आने वाली है। ऑल इज अब गो, ट्रैक्टर को डालते हैं रैंप के ऊपर। मुझे धीरे से लेके जाना पड़ेगा कहीं पलट ना जाए। ओके हियर वी गो। राइट, बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग वेरी फास्ट। ओके, लेकिन देखना तो है ट्रैक्टर कितना दूर जाएगा। राइट, लेट्स गो, यू कैन डू इट ट्रैक्टर माय फ्रेंड, ट्रैक्टर यू कैन डू, आप कर सकते हो। और इसी के साथ ही ट्रैक्टर हवा से बातें नहीं करता हुआ फ्लिप होता हुआ सीधा 360 मार के नीचे गिरा ट्रैक्टर। यार मजा आ गया यार कसम से। एनीवेज, तो एक बार फिर से टॉप पे चलते हैं और नई गाड़ी आपके सामने लेके आते हैं। और अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ 3 पहियों वाली गाड़ी। तो ये कैसे नीचे जाएगी ये तो देखने पड़ेगा ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस कार कैन मेक इट, लेकिन सस्पेंस तो तभी आएगा ना जब देखेंगे कि ये गाड़ी कहाँ पे जाती है। यार मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी जाएगी, क्योंकि 3 पहियों वाली गाड़ी इसके अंदर इतनी ट्रैक्शन भी नहीं होगी और बहुत ही अनकंट्रोलेबल होने वाली है। लेकिन मैं गलत हूँ, बड़ा सही कंट्रोल है और बहुत फास्ट जा रही है यार। डैम, आई एम सो रॉन्ग। और ये एक बारी फिर से रैम से निकलती हुई और गोली की तरह आगे बढ़ती हुई ये 3 पहियों वाली गाड़ी ने बड़ा मस्त तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया था। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितनी बारी का है सिगरेट पीना, मना इस गेम के अंदर फिर भी पी रहे हैं। कहाँ है मेरी शॉटगन, निकालो और ठोको साले के कनपट्टी के ऊपर, भाग जाओ साला यहाँ से, राम खोर ना हो। तो चलिए एक बार फिर से ऊपर चलते हैं और इस बार आपके सामने लेके आते हैं GTA 5 का सबसे फास्टेस्ट जेट। तो यार ये तो देखना पड़ेगा ना कि GTA 5 का जेट रैंप के ऊपर कैसे प्रदर्शन दिखाता है अपना। तो राइट, लेट्स हैव अ गो, आई एम सो एक्साइटेड। GTA 5 के जेट्स जो होते हैं ना बहुत ही मतलब कि फ्रेजाइल होते हैं, तो जरा से यहाँ वहाँ लगे तो ये फट जाएंगे। तो अगर बी रियली वेरी केयरफुल विद दिस जेट, तो मुझे बहुत ही सावधानी के साथ ये जेट नीचे लेके जाना पड़ेगा। अबे इतनी सावधानी भी यार बरतनी नहीं चाहिए। राइट, लेट्स हैव अ गो, वी आर डूइंग दिस। अबे रेडियो कैसे बल गया, परे हो जा। और ये नीचे जेट गया, सामने बस खड़ी है, नहीं उड़ जाती उड़ जाती है यार, सामने बस खड़ी थी रैंप के ऊपर यार, तो मैं छलांग नहीं मार पाया। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक।
वी नीड टू स्पॉन अनदर जेट, तो ये हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि यार रैंप के ऊपर बस खड़ी थी यार, तो अगर मैं लेके जाता तो ठुक जाता, कोई बात नहीं। तो अभी मैं एक और बारी जेट को टेस्ट करूंगा, लेकिन जेट के कंट्रोल मैंने नोटिस किए थे बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं और कंट्रोल करना मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है जेट को। अबे उड़ मत नीचे जा, ओ नो 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 नो, अबे नहीं, बहुत अनकंट्रोलेबल हो रहा है मुझसे, ओ नो, एक बार फिर से जेट फट गया मेरा यार, नहीं शिट यार। लेकिन इसे ट्राई किए बगैर ये वीडियो खत्म होने वाली नहीं है, तो वी गोना ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे, इस बारे में पूरा कंट्रोल करूंगा यार, प्रॉमिस, मैं पूरा कंट्रोल पूरे आराम से नीचे लेके जाऊंगा, मतलब फास्ट लेकिन कंट्रोल तरीके से मैं लेके जाऊंगा। ओके लेट्स डू इट वंस अगेन, मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बारी कर लेंगे, तो इस बारी मैंने बड़ी सावधानी बरतनी है। ओके क्रैश नहीं करना, ओ शिट, दो बारी तो यहीं पे ढुक गया यार। ओके वी आर डूइंग सो गुड सो फार, अभी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ ये देखना कि ये जेट कहां तक जाएगा। ओके लेट्स गो, तो लीजिए भाइयों जेट रैंप के ऊपर आ चुका है और मेरा पूरा यकीन है कि इस बारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो मैंने फुल बूस्ट लगा दिया है और हम नीचे जा रहे हैं बहुत ही फास्ट, क्या हम पार कर पाएंगे, और ये नहीं यार नहीं, क्यों हो रहा मेरे साथ। तो मेरे ख्याल से जेट रैंप के ऊपर से नहीं जा पाएगा, बिकॉज इसके सामने मतलब की नुकीली चीज होती है तो वो उसको लिफ्ट नहीं कर पाता। एनीवेज अभी हम GTA 5 की गाड़ी टेस्ट करेंगे जिसका नाम है स्पेस डॉक्टर। मैं बड़ा ही उतावला हो रहा था इस गाड़ी को टेस्ट करने के लिए, मेरे दिमाग से निकल गया यार कि ये गाड़ी GTA में भी है, तो इसको टेस्ट करते हैं अभी। राइट लेट्स हैव अ गो, ये गाड़ी के पीछे रॉकेट्स इंजन नहीं है, ये ऐसे ही मतलब की शो ऑफ के लिए लगाया हुआ है, और अभी हम रैंप के एंड तक पहुंचने ही वाले हैं, और ये एक बारी फिर से रैंप के ऊपर से गाड़ी निकलती हुई बैक फ्लिप करने की कोशिश कर रही है। अबे मैंने कुछ नहीं किया, नहीं फट जाएगी, ओ नो नो, नहीं फोड़नी थी मुझे ये गाड़ी यार, डैम। ओके लेट्स नॉट वरी अबाउट इट गाइस, अभी हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने दर्शकों के सामने लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ट्रक। लेट्स पुट द मॉन्स्टर ट्रक ऑन द रैंप, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, राइट लेट्स हैव अ गो। टायर देखिए उसको, कहाँ पे लैंड करेगा, फटेगा या नहीं फटेगा मुझे कोई पता नहीं है, और मैंने इस मॉन्स्टर के साथ 360 करने ही करनी है, और ये मेरी 360 शुरू होती है और नहीं फटेगा, सो क्लोज, तो हमने सक्सेसफुली 360 फ्लिप पूरा किया हमने रैंप के ऊपर मॉन्स्टर ट्रक के साथ, रियली अमेजिंग कार मैन इन GTA। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपके सामने लेके आएंगे बाइक्स, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बाइक्स का बड़े ही बेरहमी के साथ इंतजार कर रहे होंगे, बिकॉज रैंप रेस इज नॉट कम्प्लीट विदाउट बाइक। अबे बहुत तेजी के साथ चल रही है, मैं एक पहिए पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हम ये मैप पार कर पाएंगे कि नहीं, ओ नो, मेरी बाइक कहाँ पे गई, शिट यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो फोड़ ही देते हैं, बेकार बाइक है यार, मनहूस बाइक है यार बिल्कुल। Anyways, तो एक बार फिर से हम बाइक को ट्राई करते हैं रैंप के ऊपर, और अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ GTA 5 की सबसे फास्ट बाइक जिसका नाम है द ड्रैग बाइक। तो ये ड्रैग रेसिस में बड़ी काम आती है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये बाइक यूज कीजिए भाइयों, ये बहुत फास्ट। तो चलिए इस फास्ट बाइक को डालते हैं रैंप के ऊपर और देखते हैं कि क्या रंग लेके आती है हमारी बाइक से। मुझे नहीं लगता कि ये बाइक रैंप के ऊपर से जा पाएगी, बिकॉज इट्स टू फास्ट, देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है यार, डैम लेट्स डू इट, ओह नो, एक बार फिर से हमारी उम्मीदें पर बाइक वाले रैंप ने पानी फेर दिया यार। एनीवेज तो मुझे नहीं लगता कि हम बाइक्स नीचे लेके जा पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाइक्स नहीं तो क्या हुआ, बस तो है ना, तो चलिए एयरपोर्ट की बस को रैंप के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या गुल खिलाती है। राइट लेट्स हैव अ गो, ओह नो बस फंस गई, ओह नो बस फंस गई, नो बस नहीं फंसनी चाहिए, राइट लेट मी गो। ओके इतनी तेजी के साथ तो नीचे नहीं जा रही, लेकिन वी जस्ट वांट टू सी हाउ द बस परफॉर्म्स, मुझे सिर्फ ये देखना है कि बस कैसे परफॉर्म करेगी रैंप के ऊपर, और ये गोली की तरह तो नहीं निकली, ओए बाप रे बाप, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया, सीधा गाड़ी के ऊपर लैंड की बस ने, और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल तरीके के साथ बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गई। तो चलिए इस बस को यहीं पे छोड़ते हैं और रैंप के ऊपर चलते हैं और आपके सामने लेके आते हैं राइनो टैंक।
यार ये तो टेस्ट करना बनता है कि यार क्या राइनो टैंक कैसे परफॉर्म करेगा रैंप के ऊपर, तो चलिए देखते हैं। और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि राइनो टैंक रैंप के ऊपर इतना एक्साइटिंग तो नहीं होने वाला, बिकॉज इसकी स्पीड इतनी नहीं है कि इतनी तेजी के साथ ये नीचे नहीं जा सकता, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना, देखना तो बनता है कि यार ये राइनो टैंक रैंप के ऊपर कैसे परफॉर्म करता, तो चलिए देखते हैं। तो लगते हैं इसको 2 साल लगेंगे नीचे जाने में। तो यार बहुत ही यार क्या बात है यार, इतना स्लो होता है टैंक मुझे पता भी नहीं था। ओके दिस इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, और कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और इसी के साथ ही मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ, अगर मैं वहां से नीचे जंप ही मारूँ ना तो राइनो टैंक से आगे कूदूंगा। ओके दिस इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, लेट्स गो बैक अप टू द रैंप। और अभी आपके सामने लेके आते हैं डंप ट्रक, GTA 5 की सबसे बड़ी गाड़ियों में से ये एक है, बहुत मतलब कि बहुत बड़ा ट्रक है। इसके पहिए देखिए यार, माय गॉड इसके पहिए देखिए, डैम। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मुझे दो चीज़ें चेक करनी है, एक क्या इसके अंदर जो मिट्टी पड़ी है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, बस ये देखना है मुझे, और दूसरा क्या ये टैंक से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिकॉज GTA 5 की दो बहुत स्लो गाड़ियों में से ये दो गाड़ियां एक है, एक ये डंपर ट्रक और दूसरा है टैंक। चलिए देखते हैं। ओके ऑफ ही गोस द रैंप, ओ ये तो टैंक से भी इसने हद कर दी यार, ओ माय गॉड, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे इन्होंने दोनों ने जंप मारी और मिट्टी भी बाहर नहीं आई, और टैंक और इसकी स्पीड एक ही है। तो चलिए ऊपर चलते हैं एक बार फिर से और आपके सामने लेके आते हैं GTA 5 की फास्टेस्ट गाड़ियों में से एक गाड़ी जिसका नाम है ग्रॉटी। एंड ओ माय गॉड कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है आगे, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, गारंटी के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ओ नो डैम गाड़ी के ऊपर, क्या बात है यार, आई एम सो इंप्रेस, मुझे नहीं लगता था कि ये गाड़ी इतनी फास्ट होगी। वाकई में यार कितनी दूर से छलांग उसने मारी यार, गाड़ी की बॉडी तो देखो यार मस्त है एकदम झकास। तो मेरे ख्याल से विनर इस सीरीज में ये गाड़ी है, इससे आगे कोई छलांग नहीं मार सकता। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले हम एक बारी बाइक को टेस्ट तो जरूर करेंगे ना कि बाइक कितनी तेज यहाँ से आगे नीचे जाती है, और मार पैडल मार फ्रैंकलिन पैडल मार के नीचे पहुंच। ओ माय गॉड हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम GTA 5 में बाइक टेस्ट कर रहे हैं, रैंप के ऊपर हम बाइक चला रहे हैं, तो ये काम तो सिर्फ हमारे चैनल पे ही हो सकते हैं। एनीवेज तो ये थी हमारी लास्ट कंपेटिटर ऑफ द डे GTA 5 की बाइक, एंड दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।